हम बात कर नमस्कार। रहे हैं भरतपुर डीप के रहने वाले ख्यातनाम साहित्यकार वेद प्रकाश शर्मा वेद से। आप पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी हैं, आपके 17 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, साथ ही 4 महाकाव्य, 1 खंड काव्य, 3 गीतिमुक्त काव्य प्रकाशित है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने सन 2023-24 का विशिष्ट साहित्य का सम्मान देकर आपका और अकादमी का मान बढ़ाया है। आपके प्रकाशित महाकाव्य 4 है, गौतम बुद्ध, वीर बंदा बैरागी, अष्टावक्र महाकाव्य, देशभक्त वीर दुर्गादास राठौर। जी, एक प्रकाशित खंड काव्य है सती अपराध। जी, और 17 जो प्रकाशित काव्य संग्रह, इनके नाम इस प्रकार है: सीप से दीप तक, सफर, शब्दों का भाग 1 से 3, अनुभूतियों की क्षितिज, पवन और पंछी, राहे कविता की, कलम की आवाज, कविता के किरदार, नई भोर के सपने, संकल्प उजाले के फूल और कांटे, शब्दों के सेतुबंध, किनारे कविता के, परिधियों के पार, नई सुबह, उम्मीदों की, बदलते संदर्भ। इसके साथ में गीति मुक्त काव्य है मेरी सांसद को वृंदावन, परवाना जीवनशाला, और मुक्त सतसई है बिंबों के आसपास आती है गुल, ये शेर शायरी की किताब है, और रोशनी के लिए ये गीत संग्रह आपको ब्रज भाषा साहित्यकार दर्पण मोनोग्राम भी आपका जारी हुआ है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी को प्रकाशित किया है। आपके कुछ अप्रकाशित कृतियां भी है जो आप भविष्य में प्रकाशित करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त आपने करीब 60 पुस्तकों की भूमिकाओं का लेखन किया है और कई पुस्तकों का संपादन भी किया। जी, अनेक पुरस्कार व सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो ये लिखते हैं, तो इतना सारा लिखा, बहुत लिखा है और बहुत पढ़ा भी गया है, तो आपकी क्या आप अपने लेखन से संतुष्ट हैं? हाँ जी, मैं अपने लेखन से संतुष्ट हूँ। तो आपकी जो रचना प्रक्रिया रहती है वो क्या रहती है, मतलब कैसे लिखते हैं, कब लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? मैं नियमित लिखता हूँ स्वाध्याय, और ये मेरा स्वाध्याय है, ये मानो आप अध्ययन और लेखन, ये मेरी नियमित दिनचर्या है। मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और सेवानिवृत्त के बाद लगातार सन 19 में सेवानिवृत्त हुआ अप्रैल में, और अप्रैल 19 के बाद 19-20 और 3-23 4 साल लगातार ये साहित्य साधना में मेरा व्यतीत हो रहा है, और इस दौर में मैंने बहुत कुछ लिखा है। आज का 18 से लेकर के और बाद के हैं, ये महाकाव्य मेरे बाद के हैं। जी, गौतम बुद्ध मेरा एक, हाँ जी जी, गौतम बुद्ध मेरा 250 पेज का महाकाव्य है, जो एक महीने की साधना है मेरी। अच्छा, और अष्टावक्र भी मेरा 250 पेज का है, वो एक महीने की साधना है जी। और वीर दुर्गादास राठौर जो महाकाव्य है वो 288 पेज का है, बनता तो वो 400 पेज का, लेकिन मैंने उसके छंद लंबे लंबे छंद बना करके वो एक पन्ने में ज्यादा छपा करके 288 पेज में वो छपा है, तो वो मेरा 2-2.5 महीने का है, तो 2.5 महीने की साधना है वो मेरी। तो लगातार जब मैं लिखने लगता हूँ तो फिर लंबी कविताएं भी मैं लंबी लिखता हूँ, 8-8 बंद की, 12-12 बंद की, 16 बंद की, ऐसी लंबी लंबी कविताएं लिखता हूँ, चाहे विषय बहुत छोटा हो, और छोटे विषय पर ही बहुत कुछ लिख दिया जाता है, क्योंकि वो चिंतन का विषय है, कविता जो चिंतन की चेतना से प्रसूत व्यक्ति होती है उसमें वो लंबी कविता हो जाती है। छोटी कविताएं भी लिखी है, गद्य कविताएं भी लिखता हूँ मैं, छंद मुक्त भी लिखी है मैंने, और अधिकांश मेरी कविताएं छंदबद्ध हैं सभी जी। ये जो प्रकाशित, जी ये जो आपका खंड काव्य है सती अपराध, उसके बारे में बताएं कुछ। सती अपराध खंड काव्य जो है मेरा,
इस खंड काल में जो शिव जी है, शिव की पत्नी सती जी जो थी वो दक्ष राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में जलकर मरी थी, वो उस कथा पर आधारित है वो। और सती अपराध उसका शीर्षक इसलिए दिया कि सती जी ने वो अपराध किया कि वो सीता बन करके और राम की परीक्षा ली। भगवान शिव एक बार तपस्या लीन थे और मुस्कराए वो, तो पार्वती जी ने पूछा कि आप क्यों मुस्कराए कि मेरे जो आराध्य हैं वो बन बन भटक रहे हैं और पत्नी के लिए व्याकुल हो रहे हैं, कि वो तुम्हारे आराध्य और पत्नी के लिए व्याकुल हो रहे हैं, ये तो संभव बात नहीं है। नहीं, वो ब्रह्म है, ब्रह्म के अवतार है वो, क्या वो ब्रह्म कैसा जो वो रो रहा है और मानव की तरह विलाप कर रहा है। नहीं, अब तुम ब्रह्म नहीं मानती हो तो परीक्षा ले लो। कैसे लूं? तो ये तो परीक्षक समझेगा कैसे परीक्षा लेनी है। तो सती जी सीता बन गई वन में, और सीता बनकर के और वो विलाप करने लगी, तो भगवान राम ने उस विलाप को सुना और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो ये कोई और नारी सताई हुई तो नहीं है किसी राक्षस की। तो नजदीक दोनों ही नजदीक गए जाकर के भगवान राम ने उनको कहा माते प्रणाम। तो उन्होंने सती जी ने ये कहा कि हे राम, क्या तुम्हें सीता नहीं दिखी? कि नहीं, सीता की भ्रांति आप में क्यों होती? माँ माँ होती है, पत्नी पत्नी होती है, और सौ माओं के बीच में भी बालक अपनी माँ को पहचान लेता है। संसार की दो रेखाएं हैं, माँ और पत्नी, इनमें माँ को तो सौ माँ हो तो बालक अपनी माँ को तो पहचानने में भूल कर ही नहीं सकता। अब सती जी की आंखें खुली, उन्होंने कहा बड़ा अपराध हुआ मुझसे, मैं सीता बनी, छद्म वेश बनाया मैंने, तो राम मुझे दंड दो। के माता का शासता पिता होता है, पुत्र नहीं होता। माता पर शासन करने वाला ये निर्धारण पिता करेंगे, मैं नहीं, शिव जी को मैं पिता तुल्य मानता हूँ। तो वो आगे चले गए और वो सती जी मूर्छित हो गई। जब भगवान शिव ने ध्यान लगाकर देखा सती जी के साथ ये हुआ है, तो वो वहां आए, कमंडल से जल छिड़का और सती जी को सचेत किया और फिर कहा कि परीक्षा ले ली? कहाँ ले ली? के कैसे ले ली? के ले ली नहीं, बताओ तो सही कैसे ले ली? तो कह मुझसे अपराध हुआ कि जिस तन से तुम सीता बनी उस तन से तुम मेरी पत्नी स्वीकार्य नहीं हो, क्योंकि शिव की पत्नी किसी अन्य की पत्नी बने तो ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं देवताओं के बीच में किस मुंह से बात करूंगा? तो अब मैं, मेरे लिए तुम्हारा ये शरीर त्याज्य है। तो वो बाद में जब पिता के यहाँ यज्ञ होता है वो उनके बिना आज्ञा के वो चली जाती है वहाँ, तो पति का भाग नहीं पाती है तो वो यज्ञ में जल करके मर जाती है। तो भारत की महिला बोली है, वो अपराध सहती है। अब वो प्रश्न करती है महासभासदों से, भाई पिता त्याग दे, माँ त्याग दे, पति त्याग दे, तो वो स्त्री कहाँ जाए, क्या करे? ये प्रश्न उठाती है, तो वो सभी सभासद मौन हो जाते हैं और वो कोई उत्तर नहीं दे पाता है, वो जलते मर जाती है। तो भारत की महिला बोली है, वो अत्याचार सहती है, तो ऐसी स्थिति नहीं बने कि किसी को सती होना पड़े। सती होना अपराध है, और सती का अपराध वो था कि वो सीता बनी, और यज्ञ में आग में जल करके मर के सती होना ये भी अपराध है। तो उसको लक्ष्य करके मैंने ये लिखा था। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विषय है। बहुत आपकी जो कविता है जो प्रकाशित हुई है, तो कोई कविता सुना है उसमें से? जी, कविता पसंद की, सबसे पसंद की कविता जो भी हो। सबसे पसंद की कविता है, मैं छोटी सी कविता पसंद रहती है। नहीं, सभी कविता मेरी पसंद है, सभी कविताएं मुझे अच्छी लगती है मेरी, कोई कविता ऐसी हल्की नहीं लगती, ऐसा मैं महसूस नहीं करता कि कविता मेरी कमजोर है। हर कविता में मैं अपना वो रखता हूँ, वजन महसूस करता हूँ जिसमें हाँ कम है। सही बात है। तो एक लग गए हैं, देखिए एक गजल है जी, कि लोग अब चेहरे बदलने लग गए हैं देखिए, लोग छोटी सुना रहा हूँ, लंबी में हुक हो गया। लोग अब चेहरे बदलने लग गए हैं देखिए, भ्रमर कलियों को मसलने लग गए हैं देखिए, जो रहा करते कभी काबू में डर तौहीन से, जो रहा करते कभी काबू में डर तौहीन से, मन सभी के अब मचलने लग गए हैं देखिए, दौर था नक्शे कदम फिरते चला करते थे हम, बैर वे ही अब फिसलने लग गए हैं देखिए, कब खुले हैं राजपथ
सबके लिए बतलाइए, कब खुले हैं राजपथ सबके लिए बतलाइए, और रहनुमा हद से गुजरने लग गए हैं देखिए, आज आश्वासन सियासी लोग देते इस कदर, बाहर के बादल गरजने लग गए हैं देखिए, सीढ़ियां कुछ चढ़ गए तो बात वे करते नहीं, सीढ़ियां कुछ चढ़ गए तो बात वे करते नहीं, और चीटियों के पर निकलने लग गए हैं देखिए, और रात दिन जिनके लिए हमने किए तब एक थे, आज वे कम पर आज वे हम पर उबलने लग गए हैं देखिए, और हो गया इनकी माँ बिताऊ इसलिए तो शहर में वेद कुछ सिक्के उछलने लग गए हैं देखिए, वेद कुछ सिक्के उछलने लगे हैं देखिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गजल, अब तो सवैया कुंडली गोहे हर विधा में मैं लिख लेता हूँ, कविता की हर विधा में मैं लिख लेता हूँ जी जी जी, तो आपके कई प्रकार के जी जी कवैया भी कई प्रकार के बना लेता हूँ, कविता तो ये छंद है वो मनोरंजन कविता है वो बना लेता हूँ खूब बढ़िया जी 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 जी, आपके नाम के साथ में जो ये वेद लगाया उसकी क्या कहानी है, या केवल नाम के आगे है तो पीछे भी लगा दिया ऐसा है? वो नाम के वेद प्रकाश शर्मा वेद वो ऐसा हाँ। है इसकी एक कहानी लिखी है, आज से कम 30-30 साल पहले एक कवि सम्मेलन होना हुआ था, अच्छा, और उस कवि सम्मेलन में हमारे कवि मित्र थे हरिश्चंद्र हरी, अच्छे गीतकार है, मृद गीतों के राजकुमार है वो, मैं कहता हूँ उनको, और उनकी भी आठ सात पुस्तकें छप चुकी हैं, अच्छे मंशीय कवि हैं वो, तो उन्होंने कवि सम्मेलन का आयोजन किया, तो वहाँ हमें आमंत्रित किया, उन्होंने पंपलेट छपा दिए, और पंपलेट छपा दिए उन्होंने उसके, तो उसमें वेद प्रकाश शर्मा वेद उन्होंने उपनाम रख दिया तब से ये चलता आ रहा है। हाँ ये अच्छा बहुत है, भरतपुर तो मेरा भी आना हुआ है एक दो बार जी, गिरिराज प्रसाद तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनके पास एक दो कार्यक्रम में आया था, उन्होंने एक दो कार्यक्रम किए थे। देखिए एक वाणी मैं ऐसी बताऊं आपको जिसमें मात्रा तो 1919 है लेकिन अतुकांत छंद है, छंद अतुकांत है, जैसे वो हरिओर जी ने लिखे है ना प्रिय प्रवास में, वनवास और प्रिय प्रवास में, वो तो बसंत तिलका मालनी और उस तक प्रकार के लिखे हैं, तो इस तरह का ही आनंद इस छंद में है, 19 मात्रा का है, प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्रा है। अच्छा हाँ, जैसे मैं अष्टावक्र मेरा महाकाव्य है उसमें से मैं एक सुना रहा हूँ जी जी जी, एक छंद में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, विश्व का कल्याण हो यह सोचना, विश्व का कल्याण हो यह सोचना, विज्ञ लोगों की सहज सद्भावना, लोक मंगल भावना समृद्ध हो, विज्ञ करके संकटों का सामना, मोह ममता वासना तजनी पड़े, शीत वर्षा घाम भी सहनी पड़े, जिंदगी संघर्ष का ही नाम है, जिंदगी का ध्येय होना चाहिए। ध्येय बिन यात्रा कहाँ होती सफल, ध्येय बिन यात्रा कहाँ होती सफल, और ध्येय बिन मिलती सफलता भी कहाँ, और ध्येय का यदि ध्यान मन में हो सदा, पहुँच जाता है शिखर पर भी मनुष्य। साधना की है जरूरत मुख्यतः, साधना की है जरूरत मुख्यतः, साधनों में भी सदा सुचिता रहे, योग्यता अभिवृद्धि पाती है तभी, जबकि नित अभ्यास में ये मन बने, प्राप्त हो अवसर तभी प्रतिभा खिले, भक्त की पड़ती हथौड़ी जब कभी, चमकता है मन जी हीरे के सदस्य, बन गया हीरा तराशा जो गया, जो घिसा चमका वही है लोक में, घिस गया हीरा हुई न काशियां, और योग्यता प्रतिभा सदा परखी गई, मिल सका है मान तभी विश्व में, रहा तो प्रतिभा बना लेती स्वयं, जीत सकती है हिमालय का शिखर, शक्तियाँ कितनी भी हूँ मैं पास में, तृप्त मिलती है विजय संकल्प से, भावनाओं में छिपी संभावना, एक स्वर्ण में लोक दिखता है वहाँ, किंतु जो पथ प्राप्त प्रतिभा कौन हो, जन्म लेती है वह यहाँ कुंठा तभी, और साक्ष्य है इतिहास में ये देख लो, जात के आधार पर अन्याय, कर्ण की प्रतिभा उपेक्षित की गई, और प्रतिभा का गला घोटा गया,
बहुत अच्छा। एक नब्यों को उपेक्षा है मिली, पात्रता का जात निर्धारण करे, क्या व्यवस्था है उचित है देश में, व्यर्थ समता का डंडोरा पीटते। जन्म से ही जात निर्धारित हुई, जन्मने पर शिशु भरे किलकारियां, क्या कभी उनमें विषमता दिखती। फिर किया जाता यहाँ पर भेद क्यों, उस पुरातन सिंधु में लहरें उठे, कर रहे हैरान उठकर बुलबुले, और योग्यता जब जात से मापी गई, चीर प्रतिभा का कभी खींचा गया। एक है ये देश, सब जन एक हैं, फिर यहाँ होते रहेंगे भेद क्यों। सड़के सट आरक्षणों की सीढ़ियाँ, लोग कुछ आगे निकलते जा रहे, यद कहीं प्रतिभा व्यवस्था से कभी, और फिर अन्याय से रौंदी गई, भूत देवी आग कहिए, कब तक एक दिन विस्फोट होगा ना रुके। जब लड़ाई हो कहीं वर्चस्व की, तो यहाँ प्रतिभा सदा आगे रही, किंतु आरक्षण मेरी को मिली, सांस प्रतिभा की जहाँ घुटती रही। किंतु जब उत्तीर्णता का फैसला कलम से ना हो, हुआ हो जात से, तब महा अन्याय वज्राघात है, मिल रहे हीरे अनेकों धूल में। जब जब भी प्रतिभा का उजाला कैद हो, यह दमन की नीत है दुर्नीत है, राज का दुर्धर्ष दुस्साहस यही, भेद के गर्तों को विस्तृत कर रहा, जब मिलेगा मंच प्रतिभा के लिए, जातियों के अंधकम को चीर कर, सूर्य प्रतिभा का उदय होगा तभी, राष्ट्र का भी तब सही होगा भला। जातियों की कैचले हट जाए सब, नित्य प्रतिभा की चमक बढ़ती रहे, मोतियों की कांति धूमिल ना रहे, प्रखर प्रतिभा का सदा ही मान हो। बहुत अच्छा। ये इस प्रकार के गेय है आपकी, आपकी रचना है वो अच्छे ढंग से पढ़ी जा सकती है, व्यवस्थित नहीं, सभी छंदबद्ध रचनाएं हैं, और मैंने सर्ग, हर सर्ग में अलग अलग छंद बदलते हैं। महाकाव्य का ये दिए नहीं भाई, हर सर्ग में छंद बदलो, अगले सर्ग में अगला छंद, दूसरा छंद बदलो, तो ये छंद बदले हैं मैंने। तो ये प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है, प्रयोग 19 मात्रा का छंद है, जिसमें तुक नहीं है, अंत्यानुप्रास नहीं है, किंतु वो छंद का आनंद दे रहा है, वो लयबद्धता आ रही है उसमें। भाई सही बात, ले वही सबसे बड़ी बात है, सरस्वती की कृपा है। आपने तो धर्म पे ज्यादा लिखा है कुछ चीजें, तो आपको कभी ऐसी चुनौती आई कि ऐसा कैसे लिख दिया, ये गलत लिख दिया, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। अब इसमें आरक्षण की वो जाती की आया, कोई वर्ग यूं कह सकता है कि आरक्षण के विरोधी हैं। अरे विरोधी हैं तो कभी के विचार है, भाई जो व्यवस्था में खोट है, उस खोट को चिन्हित करना कवि का धर्म है। कभी मौन नहीं रह सकता, कवि के उथल पुथल होती है जब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, भाई जी कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं अनाचार हो रहा है, या किसी का दमन हो रहा है, या प्रतिभा का दमन हो रहा है, तो फिर कभी चुप कैसे रह जाएगा। अब किसी को यूं लगे भाई किसी वर्ग को भाई आरक्षण के विरोधी है ये, तो वो उसकी उसका कोई उपाय नहीं है, वो अपने मत भिन्न है संसार में, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, भिन्न रुचि लोग का संसार में, भिन्न प्रकार की रुचियां हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, सही है। लेकिन तो लोग बाग तो कुछ लिखा, निर्भीकता से लिखा, वो आजकल तो भीड़ तंत्र आ जाता है ना, वो कुछ सुनते नहीं है, बस खाली शुरू हो जाते हैं विरोध करना, प्रदर्शन करना, लाठी चलाना। नहीं, अब ये वो अलग चीज है, वो दूसरी चीजें अलग है। राजनीति व्यवस्था में यदि खोट है, भाई कभी की कोई वो नहीं, पार्टी नहीं होती, कभी किसी पार्टी का नहीं होता, कभी स्वतंत्र होता है। जहाँ जिस व्यवस्था में जहाँ जहाँ कोर्ट के कहेगा वहीं नस्तर चुबाता है कभी तो। मैंने व्यंग लिखा है, खूब व्यंग लिखा है, देखे आप जन का नमूना मैं आपको बताता हूँ। नमूना भी जी अभी जी चाहिए, ये गद्य करता है, चाहिए किसी को सत्ता, इसी में भी छंदबद्धता का आनंद आएगा। चाहिए किसी को सत्ता, किसी को भत्ता, और किसी को रोटी और कपड़ा, जिद है अपनी अपनी, ढपली भी अपनी अपनी, राज भी अपना अपना, हर आदमी का होता है एक सपना, कोई चाहता है चांद तारे, कोई चाहता है खुला आकाश, कोई चाहता है विश्वास, हर आदमी की चाहत है खास। अगर यहाँ तो मिलते हैं केवल आश्वासन, अंधे बह रहे हैं उच्चासन, राष्ट्र में दृढ़काष्ठ होना अजूबा नहीं है, अजूबा तो ताज है, हर गली में बाज है, इसलिए कभी भोले नहीं होते, कौन कहता है दिलों में सोले नहीं होते,
सुनिए जनाब, जब ये भड़कते हैं तो कुरुक्षेत्र रचा जाता है, तब गांधारी रोती है, द्रोण तड़पता है और भीष्म भीतर ही भीतर सुसकता है। आखिर पांडवों की किस्मत कब तक सोएगी, कब तक दबी रहेगी आग? विस्फोट तो होना है, किंतु मरे हुए सिंहासन के बैताल को विक्रम को ही धोना है, किंतु मरे हुए सिंहासन के बैताल को विक्रम को ही धोना है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत और, अच्छा। और एक, एक और छोटा जी, कि कहे कबीरा यह जग अंधा, कहे कबीरा यह जग अंधा, अंधों का चलता है धंधा, मांग रहे जनता के चंदा, चलता खेल यहाँ पर गंदा, अपराधी को मिले न फंदा, खुदा बना है खुदा का बंदा। अपराधी को मिले न फंदा, खुदा बना है खुदा का बंदा। प्रशासन अपराधियों को रोक नहीं पाता है, हर नेता घड़ियाली आंसू बहाता है, जनता की हर आंख नम है, सबके सीने में जख्म है कम है, आंसुओं से भरी हर आंख छलती है, क्यों हर मोड़ पर एक बलात्कार की चलती है। आंसुओं से भरी हर आंख छलती है, क्यों घर मोड़ पर एक बलात्कार की छलकी है। प्रश्न है आखिर ये हाल से कब रुकेंगे, मोमबत्तियां कब तक जलाते रहेंगे, हर कोई किसी न किसी का मुरीद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो नए सूरज से केवल उजाले की उम्मीद है, हमें तो नए सूरज से केवल उजाले की उम्मीद है। सही बात है, नए भारत की उम्मीद है, सही बात है बिल्कुल। आपने पहली कविता कौन सी लिखी, कुछ याद है? पहली कविता याद नहीं है, था महाराणा प्रताप पर लिखी थी। हाँ। जो वो लोहागढ़ ललकार थी उसमें वो छपी थी, वहाँ भरतपुर से छपी थी, पर नवयुग संदेश निकलता था भरतपुर से, एक उसमें मेरे गीत छपा करते थे, एक हाँ। सैनिक समाचार पत्रिका निकलती है सेना की, हाँ। सेना की निकलती है वो, सन 85 में एक गीत छपा था, सन 85 में उसका मानदेय भी आया था, उसके बाद में फिर तमाम अखबारों में और पत्रिकाओं में कविताएं छपती थी, प्रेस सर्कल में खूब छपी है ना, और हमारे साहित्य मंडलनाथ द्वारा, श्रीनाथ द्वारा से मुझे 2009 में ब्रजभाषा भूषण की उपाधि दी गई थी। बिल्कुल। और उसके बाद में 10 या 11 में मेरा वो फोनोग्राफ ब्रजभाषा अकादमी ने छापा था। तो छंदबद्ध रचनाएं भी खूब लिखी है मैंने, तुम्हारे ब्रजभाषा में भी खूब लिखा है, और 2500 मेरे मुक्तक छपे हैं सर, जिसमें जी जो ये अभी आजकल कल समाचार आया था कि कुछ विधायक है वो राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहते हैं, तो ब्रजभाषा वाले इसके क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं देखो, भाषा का कोई विरोध नहीं है, ब्रजभाषा वालों का राजस्थानी वालों से कोई विरोध नहीं है, राजस्थानी साहित्य अकादमी बनी हुई है, ब्रजभाषा साहित्य अकादमी बनी हुई है, हिंदी साहित्य अकादमी बनी हुई है, उर्दू साहित्य अकादमी बनी हुई है, बिल्कुल सही है, और नेहरू बाल अकादमी बनी हुई है साहित्य के लिए, राजस्थान में अनेक अकादमियां बनी हुई है, तो किसी से कोई किसी का कोई विरोध नहीं है। भाषा आपस में सहेली है, कोई किसी का विरोध नहीं है, हम भी ब्रजभाषा में हिंदी के शब्दों का प्रयोग होता है, हिंदी में ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग लोग कर लेते हैं, उर्दू के शब्दों का प्रयोग मैंने दिल खोल के किया है, जहाँ आवश्यकता हुई वह किया है मैंने, दुर्गादास राठौड़ में जहाँ जैसे पुराना जो इतिहास है, और दुर्गादास राठौड़ वो मुगल काल की बात है, राजपूतों का शासन था, मुगलों का शासन था उस समय, तो उसमें तमाम मुगल जो सब शब्द आते थे उर्दू के, उनका मैंने प्रयोग उसमें किया है, ये था जैसे जरूरत पड़ी है, देश काल वातावरण होता है उसमें, तो भाषा में कहीं किसी की कोई अभी जो आपस में लड़ते रहे वो गलत बात है, लेकिन मेरी मान्यता है सब भाषा विकसित हो, और जैसे एक क्यारी में अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं तो खिले, तारे आसमान में तारे उगते हैं, कोई किसी की रोशनी छीनता नहीं, किसी की सुरभि को चुराता नहीं, कोई सुरभि छीनता नहीं, पुष्प खिल रहे हैं बाद में, तरह तरह के फूल खिल रहे हैं, किसी से क्या विरोध किसी का, सब खुशबू भी खेल रहे हैं, सब भाषाएं उजाला दे रही हैं, सब भाषाएं आनंद दे रही हैं, अब जहाँ जिनकी जहाँ जैसी बोली है वो उसी पे साहित्य प्रदर्शन करेंगे, तमिल वाले तमिल पे साहित्य प्रदर्शन करेंगे, सही है, ब्रजभाषा वाले ब्रजभाषा में करेंगे, जिसको जो रुचि है उसमें अपनी रुचि से अपना लेखन करें, और व्यक्ति भाई मातृभाषा है किसी की, जो मातृभाषा में ही तो अभिव्यक्ति सच्ची होगी, अच्छी होगी, सशक्त होगी। मैं मान लो अंग्रेजी मेरी मातृभाषा हिंदी है,
तो मैं हिंदी में ज्यादा अभिव्यक्ति अच्छी करूंगा। हमारे क्षेत्रीय भाषा को मेवाती भाषा कहते हैं, तो मेवात क्षेत्र है हमारा, तो वहाँ मेवाती शब्द आते हैं उसमें, तो मेवाती का कोई व्याकरण नहीं बना है लेकिन वो प्रचलन में है, इसमें ब्रज मेवात क्षेत्र है मेरा, तो ब्रज के शब्द भी आते हैं, मेवाती के भी आते हैं, हिंदी के भी आते हैं, राजस्थानी के शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, कुछ शब्द ऐसे राजस्थानी से लिए हमने, कुछ पंजाबी से ले लिए हमने, तो भाषा का कोई विरोध नहीं है, एक है। मान लो आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा आ जाती है और फिर शिक्षा का माध्यम राजस्थानी भाषा होती, तब क्या स्थिति बनेगी? नहीं, शिक्षा का माध्यम राजस्थानी तो नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता, पूरा राजस्थान प्रदेश राजस्थानी थोड़ी बनना था। हाँ भाई, पूरा राजस्थान प्रदेश राजस्थानी नहीं, हम हिंदी, हिंदी के पूरे विश्व में हिंदी भाषा बोलने वाले ज्यादा है, दुनिया भर की जितनी भी भाषाएं हैं हिंदी भाषा भाषी पूरे विश्व में सब भाषाओं के भाषियों से ज्यादा है, इसलिए पाठ्यक्रम तो हिंदी में ही होना चाहिए। राजस्थानी को वैकल्पिक भाषा के रूप में, क्षेत्रीय भाषा के रूप में पढ़ाओ, राजस्थानी लो, उर्दू लो, पंजाबी लो, संस्कृत लो, ये क्षेत्रीय भाषा का फॉर्मूला है ना। सही है, पाठ्यक्रम तो राजस्थानी में कभी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, और आएगा तो फिर ये लेखक और साहित्यकार कहाँ जाएंगे, ये विरोध करेंगे। सही बात, पाठ्यक्रम तो हिंदी में चलता आ रहा है, सब हिंदी समझ रहे हैं, हिंदी में विदेशों में भी हिंदी लोग समझ रहे हैं, तो फिर राजस्थानी के पाठ्यक्रम की क्या जरूरत पड़ रही है? सही, राजस्थानी वाले यदि ये सकू का छोड़ते हैं तो गलत है उनका वो गलत धारणा है कि हमारी भाषा ही पाठ्यक्रम की भाषा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? फिर तो ब्रजभाषा वाले भी कहेंगे कि हमारी भाषा ही पाठ्यक्रम की भाषा होनी चाहिए। हाँ, राजस्थानी के दोहे वो क्या है, कन्हैयालाल सेठिया के दोहे हमने पढ़े हैं, रजियारा दोहा रजिया के दोहे हमने पढ़े हैं, पाथल पीतल की कविता हमने पढ़ी है, कोश में पढ़ी है, तो कोई गुरेज नहीं है। राजस्थानी भाषा की कविताएं हैं पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, ब्रजभाषा की कविताएं पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। सही बात है, और हिंदी की कविताएं भी पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, और अन्य अन्य भाषाओं की कविताओं का रूपांतर यदि हो जाए हिंदी में तो उनको भी यदि पढ़ाया जाए तो कोई गुरेज नहीं है। अभी जो वातावरण चल रहा है राजनीतिक रूप से या साहित्यिक रूप से भी देखें, उसपे कोई कविता आपने लिखी क्या राजनीतिक वातावरण पर? हाँ, क्योंकि आजकल ज्यादातर कवि बुद्धिजीवी राजनीतिक वातावरण पर लिखने, आजकल राजनीतिक वातावरण पर लिखने से बुद्धिजीवी कवि वो बचते हैं कि क्या, क्यों फालतू विवाद में पड़े हैं? तो आपने कुछ लिखा क्या था? सुनो, बचने की कोई बात नहीं है, राजनीति पर कर चोट खूब चोट करी है हमने, और संकोच होकर के चोट करी है। एक नेताजी चुनाव जीतने के बाद, एक नेताजी चुनाव से पहले लोह पुरुष थे और चुनाव जीतने के बाद उनके सर्वांग कमल हो गए, मुख कमल से भाषण, सर कमल से उद्घाटन, चरण कमलों से यात्राएं, कमल लहनों से बाढ़ पीड़ितों का निरीक्षण, और शरीर कमल से कुर्सी पर सुशोभित हैं, जिनकी खुशबू से संसद पार्टियां सम्मेलन महक उठते हैं, ब्लैक मिररों के त्राता, राजस्थानों के सूत्रधार, रिश्वतखोरों के सर्वस्व, बढ़ता जाता है धरती से आकाश तक उनका वर्चस्व, पुलिस के पिल्ले उनके सामने तो मिलाते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सब में आते हैं, लेकिन हमको तो इस अमल के फूल से ज्यादा महत्व नहीं लगते, प्यादे से फर्जी हो गए हैं, करेले हैं, नींद चढ़ गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा करेले नीम चढ़ गए हैं। ये करेले नीम चढ़े साहब, किसी में कोई कसर नहीं है, पद सत्ता पा करके किसको अभिमान नहीं होता है, सबको अभिमान हो जाता है। अब वो यूँ कह रहा है तुम्हारा, वो छत्तीसगढ़ का क्या है, कहाँ का वो हुआ था, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव बना है, वो कह रहा है किसी को फोन कर रहा है, किसी अधिकारियों को हम सर कलम करके धरती में गाड़ देंगे, है वो चल रहा है। तो सत्ता का मत है, सत्ता का मत सबको आता है, सही बात, थोड़ा आए या ज्यादा आए आता है, आता है। आपको वेद प्रकाश शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि आजकल जो हम लेखन कर रहे हैं इसकी क्या सार्थकता प्रासंगिकता है?
सार्थकता और प्रासंगिकता, बात यह है साहब, लेखन तो सार्थक ही होता है और अब आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें मोबाइल के दौर में, जो मोबाइल की क्रांति आई है इस दौर में साहित्य को पढ़ने का वो शौक लोगों को नहीं है। हाँ है, कुछ लोग हैं जो अच्छे विद्वान हैं, वो साहित्य को पढ़ रहे हैं, खरीद कर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल संस्कृति में जो नई पीढ़ी आ रही है ये साहित्य से अरुचि पैदा हो रही है, इसको ये साहित्य न पढ़ करके अनसुन चीजों को पढ़ रहे हैं। और जो मोबाइल पर जो साहित्य परोसा जा रहा है, मोबाइल पर जो चीज परोसी जा रही है उनमें बड़ी खामियां हैं। सही बात, वो साहित्य की दूरदानी कर रही है, सब भटक गई है, नई पीढ़ी भटक गई है और नई पीढ़ी में को रुचि नहीं रही साहित्य पढ़ने में। फिर भी पुस्तकों की प्रासंगिकता तो हर युग में रहेगी, पुस्तकों का ये है कि किसी जैसे फैशन बदलता रहता है, तरह तरह के फैशन आते रहते हैं, है ना, चलता रहता है। एक जमाना ये था जब हम बच्चे थे, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तो एक सूची पत्र था हिंदी पॉकेट बुक्स का, एक हमारे ग्राम सेवक जी थे वो मंगाते थे पुस्तकें वहां से, तो हिंदी पॉकेट बुक्स में सूची पत्र उनके पते पर आया, वो ट्रांसफर करा के चले गए, हमसे ज्यादा लिंक था उनका, तो वो सूची पत्र हमको मिला हिंदी पॉकेट बुक्स आगरा नई दिल्ली का। तो उसमें हमने 3 उपन्यास किरणों के चोर और एक दो उपन्यास और थे, एक वैज्ञानिक उपन्यास था, एक जासूसी उपन्यास था, एक सामाजिक उपन्यास था, मैं 9th में पढ़ा करता था, तो उस समय मैंने वो 3 उपन्यास 9 रुपए के बिल्टी द्वारा मंगवाए थे। अच्छा। और मेरे पिताजी ने मना नहीं किया, भाई क्यों मंगाए, पैसे दे दिए उन्होंने और वो मैंने पढ़े। कांता संतति भी मैंने पढ़ा, बचपन में ही पढ़ा। हाथी किस्सा हाकिम काई, किस्सा गुल बकाबली, किस्सा तोता मैना, किस्सा बैताल पत्तीसी, किस्सा सिंहासन पत्तीसी, मेरे पिताजी कहानियों के शौकीन थे, किस्सा गंगाराम पटेल बलाती नाई, 12 किताबें थी उनके पास में और वो किस्सा कहानी लोगों को सुनाया करते थे, गोल गोल करके पढ़ पढ़ करके सुनाते थे, तो वो मुझे कहानियों का शौक था। मैं कहानीकार होता, मैं कहानीकार होता, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि मैं कहानीकार न हो करके मैंने उपन्यासें खूब पढ़ी, उपन्यास खरीद के पढ़े, सैकड़ों उपन्यास पढ़े, कहानियों की तो हजारों पुस्तकें पढ़ी मैंने अपने जीवन में, और काव्य पढ़े। काव्य पढ़ने का बारे में मेरा ये है कि यदि पढ़ना हो विज्ञान तो पोथी पढ़ो नवीन, और यदि पढ़ना हो साहित्य तो ग्रंथ पढ़ो प्राचीन। मैंने तमाम ग्रंथों को पढ़ा, तमाम महाकाव्यों को पढ़ा, तब मैं ये महाकाव्य इस परफेक्ट स्थिति में दे पाया। अपना रिटायरमेंट के बाद मैंने एक तो मैं रिटायरमेंट होने से पहले लिख दिया था गौतम बुद्ध, उसके बाद एक दूसरा तीसरा चौथा ये महाकाव्य में दे पाया। सत्य प्राप्त में नेचुरल फर्स्ट तब लिखा था मैंने, 97 में लिखा था, 94 में लिखा था। मैं लेक्चरर रहा तब मेरा विचार था मैं PhD करूं, है ना, तो मैंने अगले पर PhD करना शुरू भी कर दिया था। मुझे गाइड मिल गए थे जयपुर के डॉक्टर गजानंद शर्मा जी थे, तो उन्होंने कहा कि बंधु सिनॉप्सिस बनाओ, मैंने अनुक्रमणिका बनाई, बना के उनको दे दी, वो बड़ी पीड़ शब्द पाई कि बहुत अच्छा है आप अगले पर करिए। मैं किसी पॉलिटी में करना चाहता था, उनका आते का कथा साहित्य आलोचनात्मक अध्ययन इस पर करो, मैंने काम चालू कर दिया। फिर मैं RPSC से हेडमास्टर हो गया, फिर वो काम छूट गया, मेरा डिस्ट्रिक्ट ही बदल गया, जयपुर से मैं अलवर में आ गया और मैं मेरी वो PhD रह गई। फिर मैंने ये संकल्प किया कि PhD तुम नहीं कर पाए तो ऐसा करो कि कोई तुम पर PhD करे। बहुत अच्छा। फिर ये संकल्प मैंने लिया तो फिर मेरी 30 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो गई हैं, 6-7 पुस्तकें मेरी अभी प्रकाशन के इंतजार में हैं और 2 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो गई अभी आने वाली हैं, कुछ दिन में आ जाएंगी। तो और PhD मेरे ऊपर कोटा विश्वविद्यालय से PhD हो रही है, जय प्रकाश शर्मा भी मेरे साहित्य का मैं कथ्य शिल्प एक अध्ययन एक अनुशीलन इस प्रकार से। गोदुराम सैनी जी हैं जयपुर के, हैं जयपुर के पास के रहने वाले हैं, वो PhD कर रहे हैं मेरे साइड पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये सर ने ये भी इच्छा पूरी कर दी, वही चलो इनको नहीं कर पाए तो वो संकल्प था वो पूरा हो गया है, ठाकुर जी ने कर दिया। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत आपका, देवेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे अच्छा संवाद हुआ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।